मेरी आखिरी वाली हूँ ऑन द वीडियो बाप बेटे मौज कर दी डैंक इंडियन मीम्स बाय मीम अपुर। सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो नाम मोनाली नायक, वेलकम टू माय चैनल आखिरी वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। आया ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए बनाया है, दिल फेफड़े गुर्दों पे ना ले और हेडफोन लगा लीजिए, एक दो गाली के बाद मिल जाएंगे। आया चलो स्टार्ट करते हैं। स्वागत नहीं करोगे आप हमारा? हाँ जगोरे, हाँ जछोरे, नाचो 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 बीरना। मजा आए इनको। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मुआहिद खान है। इसका मतलब क्या होता है? जी इसका मतलब है कि नंबर पढ़ लेने आए हो क्या यहाँ पे? कौन है ये लोग? नहीं नंबर नहीं, वाहन पे नंबर चढ़ा हुआ है। बाद में लूंगा आपसे। कोई पढ़ता है? सब लोग खाली छोड़ी बटाता है। मेरे से क्यों लेना है भाई? भाई अपनी बहन का नंबर थोड़ी लेते हैं। मेरे भाइयों वाले कान बंद। ये बताइए पेपर कैसा गया? पेपर अच्छा गया मैम। क्वेश्चन चेहरा से आप लोग पढ़ने वाले हमको क्यों लग रहे हैं? हम तो पढ़ने वाले सबका नहीं जानते हैं। अच्छा ए माइनस बी का होल क्यों जानते हैं? माइनस बी का होल क्यों? ए नहीं मैम वो तो नहीं जानते हैं। नहीं नहीं जानते। पढ़ने वाले नहीं है ना मैम? तो आप बोले पढ़ने वाले। थोड़ा बहुत पढ़ लेते, थोड़ा बहुत नहीं पढ़ते हैं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। मैम जानती हैं, अगर पता भी होगा तो हम लोग नहीं बताएंगे क्योंकि हम लोग मजाक ही कर रहे हैं सबको। मजाक करके निकल गए, लेकिन आपके घर वाले फैमिली वाले क्या बोलेंगे? आपको नहीं आता, आता है तो बता दीजिए। वो मैम मार्क्स देख के बता देंगे। ना मासूम किधर चल रहा है हमको नहीं पता है, क्या करेंगे ऐसे? चलेगा का? चलेगा रॉबरी करेंगे। रॉबरी मतलब बैंक में डाका डाल देंगे। खत्म। संकट में है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा। अबे तू यहाँ पड़ा हुआ है, बाहर आफ्टर पार्टी चल रही है, चल ना। अरे नहीं यार मैं अभी नाइट शिफ्ट करके आया हूँ, बहुत थका हूँ, नींद आ रही है। तुम लोग करो यार, तुम लोग करो। पूरा मूड खराब कर दिया तुम्हारी। 10 seconds late है। अबे यार क्या। हेलो। हाय बेबी, क्या कर रहे हो? यार कुछ नहीं यार, मैं अभी नाइट शिफ्ट कर गया हूँ, बहुत तेज नींद आ रही है, सोने जा रहा हूँ। ओह अच्छा, ठीक है तू सो जा। हाँ ओके। मैंने तो इसलिए कॉल किया था क्योंकि मेरी रूममेट निकी ना अपने घर गई हुई है और मैं यहाँ पे अकेली हूँ। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? ठीक है कोई बात नहीं, तू सो जा। ऐसे बहुत सारे बॉलीवुड में स्टार्स हैं जो इस तरह के प्रोडक्ट्स को एंडोर्स करते हैं, जिसमें कैंसरस प्रोडक्ट्स होते हैं या गुटखा होता है, अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स हैं। इस तरह के प्रोडक्ट्स काफी बॉलीवुड के स्टार्स एंडोर्स कर रहे हैं बड़ी फीस लेकर। क्या आप चाहेंगे कि आपके जो बॉलीवुड के साथी हैं इस तरह के प्रोडक्ट्स को एंडोर्स ना करें, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग इन्फ्लुएंस होते हैं ये सब एडवर्टाइजमेंट देख के, और खासकर जब बड़े स्टार्स करते हैं तब? तो ऐसा है कि जनाब ऑडियंस को भी पता होना चाहिए किसको फॉलो करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए, एंड जो गलत है सो गलत है। और मैं उनसे यही दरख्वास्त करूंगा कि ऐसी चीजों को एंडोर्स ना करें। लेकिन एक सेकंड एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। 40,000 रुपए महीना? हम जॉब के लिए रेडी है सर, क्या काम करना है? जी कन्नौर,
और सिर्फ तुम्ही को नहीं करना, हम तुम दोनों को मिलकर करना है। क्या बात, ये क्या बात करते हैं यार? ये क्या है कंडोम है, तुम्हें नहीं पता? हमको तो पता है ये कॉन्डम है, नाम आदरणीय और काम माधरणीय। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद उमर। जमजी मेरी शादी होगी आपकी? जी मेरी होगी शादी। देखिए मैंने तीन शादियाँ शायद लास्ट टाइम भी आपको बताया। जिंदगी हो तो ऐसी हो। एक ही घर में रहती हैं तीनों? हाँ एक ही कमरे में हम तीनों चार। एक कमरे में रहते हैं? हाँ जी। एक कमरे में सोते हैं? एक कमरे में सोते हैं, एक ही कमरे में तीनों बीवियाँ और मैं। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप? मुझे लगता है कि आपने अलग अलग कमरा दिया होगा। नहीं नहीं किसी को नहीं, तीनों को एक ही कमरे में। भी एक ही कमरे? एक ही कमरे। ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। एक एक बार बारी आती है ना, दो जनियों को बांध देता हूँ फिर। आप दोनों ने ही नॉन एक्टर्स से शादी की है, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप उनसे मिले कैसे? How did you fell in love with them? आप क्या करती हैं मैडम? मेरा भी MBA कंप्लीट हो गया है। अच्छा तो आप शादी MBA वाले लड़के से करेंगे कि किसी नॉन MBA वाले के साथ? सर कोई भी चलेगा, मिले तो। गाड़ी स्टार्ट कर। देखिए लड़की है, कद 5'6" अगर आपको पसंद है कोई हाथ खड़ा करे। काम क्या करते हैं आप? मेरा भी अभी सेकंड ईयर MBA चल रहा है। MBA आपका? सर हो गया मेरा तो। आपका हो गया, लड़की थोड़ी सीनियर है, चलेगी? ये समस्या है। अरे क्या करें, सबकी आती नहीं, हमें इच्छा आती नहीं। छोटी बच्ची हो क्या? चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। म्यूजिक। लेकिन क्या करूं यार, सबको आती नहीं और मेरी चाहती नहीं। स्पीडी किंग के संगीत में। अच्छा। कच्ची हो क्या अकल की, कच्ची हो क्या समझ में नहीं आता, छोटी बच्ची हो क्या, कच्ची हो क्या अकल की, कच्ची हो क्या समझ में नहीं आता, छोटी बच्ची हो क्या। क्या हो गया मोहित? अरे यार मेरा दिमाग खराब हो रहा है। क्यों क्या हुआ? अरे मुझे अर्जेंट कहीं जाना था पर स्कूटी खराब हो गई यार। तो क्या हुआ, मेरी ले ले। वो तो मैं ले लूंगा लेकिन स्कूटी क्या करूँ यार। यारी समझ ली। मैंने कोई आई एम नॉट टेकिंग वन होल लाइक यू नो ठेका ऑफ इंट्रोड्यूसिंग न्यू टैलेंट। मैं जो करना चाहता हूँ मैं करना चाहता हूँ, चाहे मैं अपने फूफे के बेटे को लॉन्च करूँ या मेरी चाची के भतीजे को लॉन्च करूँ। नेपोटिज्म। मेरा मुंह सा निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। जो कि बहुत ही फेमस दिल्ली के फेमस टिक्की वाले हैं, इनके चलते बहुत दूर दूर तक है, तो आज दिखाते हैं कैसे टिक्की बनाते हैं और क्या करते हैं। तो स्वीटी भैया जो आप टिक्की बनाते हो, ये टिक्की का टेस्ट है 60 रुपए प्लेट। ये तो टिक्की 60 रुपए प्लेट तो होती नहीं है, 30 रुपए प्लेट में सब जगह मिलती है। हाँ तो 30 रुपए प्लेट है ग्राहकों के लिए। ग्राहकों के लिए मतलब मैं भी तो ग्राहक ही हूँ। फूड ब्लॉगर के लिए जो वीडियो बनाते हैं उनके लिए 60 रुपए। ऐसा क्यों, ऐसा भेदभाव क्यों भैया? क्योंकि भैया तुम लोग खाते कम हो चाटते ज्यादा हो। मैं बात करूँ वो तीन बीवियों वाला सुन के ना मैं एकदम शॉक हो गई। यहाँ पे मुझे लगता है किसी को भी एक लड़की हैंडल करना है वो सारी चीजें बहुत ज्यादा मुश्किल होती होगी। बीविया तीन तीन एक ही रूम में बांध देता हूँ, ये सारी चीजें सुनकी पता यार क्या। एंड सबसे पहले नेपोटिज्म वाला डायलॉग जब मैंने थिएटर में भी सुना था ना, मैं एकदम हंसी थी सही में, कि मुझे ऐसा लगा उसका टोन है ना नेपोटिज्म, वो टोन बड़ा अच्छा लगा मुझे। बाकी मैं करण जौहर वगैरह इसके ऊपर कभी बात नहीं करती क्योंकि टैलेंट इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग कि किसको लॉन्च किया क्या किया, बट किस में टैलेंट क्या है वो ज्यादा देखना, ऐसा मेरी सोच है।
और वो नेपोटिज्म वाला डायलॉग जिस तरीके से केजीएफ में बोला गया था यश ने, वो बड़ा सही था। तो मेरा रिएक्शन था वीडियो वाह बेटे मौज कर दी डैंग इंडियन मीम्स बाय मीमा अपुर। आपको और भी ऐसे वीडियोस देखने तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो गाइस, इसे ज्यादा शेयर करो, क्योंकि आपके व्यूज पे ही मुझे पता चलता है मेरे ऑडियंस को क्या देखना पसंद है क्या नहीं। तो प्लीज बाकी परत नहीं आले।